मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह हो चुकी है। देखिए मैंने नहा धोवा लिया है, इधर पूजा उजा भी मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, मेरी बेटी को उठाने, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। मैंने अपनी बेटी को नहला दिया है, अब ये स्कूल के लिए रेडी होगी। हाय कर दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए इसको अब मैं रेडी करती हूँ। गाइस, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। मेरी बेटी ने बोला कि मुझे बर्गर खानी है, मैं अब उसके लिए बर्गर का रेडी करूँ। बर्गर क्या है, बन मैं ले आई हूँ, बन से ही उसका एक बर्गर बना के दे देती हूँ। चलिए इधर मैं मसाला बना रही हूँ बर्गर के लिए। ये सादा मसाला है क्योंकि मेरी बेटी है ना, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती है, तो बिल्कुल बिना मिर्ची का ये मसाला है उसके लिए। देख सकते हैं इधर मैंने बन ले लिया है, बन को अब मैं काटती हूँ। चढ़ा के रखा है, इसमें मैंने घी डाल देती हूँ, अच्छे से घी डाल देती हूँ। इधर से बन को रख के अच्छे से सेक ले रही हूँ, अच्छे से घी से बन सेक लिया है। अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज लगा रही हूँ, देख सकते हैं। देखिए पूरा मेयोनीज अच्छे से लगा लिया। मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ, वो भी अच्छे से मिला दिया इसमें ही, देख सकते। आलू का मसाला बना कर रखी थी वो इसमें रख दी, और मेरी बेटी है ना प्याज खीरा ये सब नहीं खाती है, तो मैं उसमें ये सब कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस उसका बर्गर। अब ये देख सकते हैं बर्गर रेडी है, उसका टिफिन पैक कर रही हूँ, देख सकते हैं। मैं ये लंच बॉक्स में डाल देती हूँ उसका। मेरी बेटी अभी स्कूल जा चुकी है, अब मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। क्या होता है ना गाइस, सुबह सुबह मैं झाड़ू करके बस पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बेटी को हस्बैंड को भेजती हूँ, उसके बाद पोछा ओछा मैं लगाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह होता है ना कि उतना टाइम नहीं होता है कि पोछा लगाए झाड़ू लगाए, उसके बाद मैं ये सब काम करती हूँ। गाइस, अब मेरी साफ सफाई हो गई है, मैंने सारा काम कर लिया है, मेरी बेटी खाने का टाइम हो रहा है। अब मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, वो आने ही वाली होगी। अब किचन में आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पहले तो मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, और कोई सब्जी देखती हूँ, ऐसे पत्ता गोभी रखा हुआ, पत्ता गोभी बना लेती हूँ। इधर दाल बनाती हूँ तो मैं एक टमाटर भी डाल देती हूँ। आप लोग भी कमेंट्स करके बताना आप लोग क्या दाल में टमाटर डालते हो। दाल में अगर टमाटर डालने से टेस्ट दाल का ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोग बताना आप लोग डालते हो या नहीं डालते हो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पत्ता गोभी निकाल रही हूँ, मैं सोची पत्ता गोभी बना देती हूँ मटर डाल के। ऐसे तो मेरी बेटी कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं करती है, बट देखती हूँ आज क्या करती है वो, चलिए मिलती हूँ। खाना पीना बन गया है, अब मैं इधर किचन वगैरह सफाई भी कर ली, बस अब मेरी बेटी का आने का टाइम हो रहा है। मेरा सारा काम हो गया किचन का, बस मेरी बेटी अब आती ही होगी, फिर मैं उसे खाना खिला दूंगी। बेटी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और वो अपनी नानी से प्यार कर रही है, गला मिल रही है, अब वो खाना खाएगी। मेरा खाना बन गया है, अब मैं अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगी, दाल चावल साग और पत्ता गोभी का सब्जी। राशि नहीं आ रही है, आ जाओ राशि, तुम भी आ जाओ। ये है राशि जो की बेस्ट फ्रेंड है। हाय करो राशि, हाय। चलिए वीडियो को मैं यहीं पे, हाय दोस्तों, मैं स्कूल से आ गई, मैं भी कुछ आ रही मैं। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, हमें भी आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है, हमें भी आप लोग जरूर सपोर्ट करें। बाय 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 बाय।